रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का और रियल का रेट है मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से और आज का जो एक्सचेंज रेट है जी वो शेयर कर दूंगा मैं। सबसे पहले यार आज को आपको एक चीज़ मैं सुनाना चाहूँगा। कल एक भाई ने मुझे कमेंट किया कायदा वॉइस एसएमएस है, सुन ले ये क्यों सुना रहा हूँ आपको मैं, इंशाल्लाह तमाम परदेशियों को फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक हो? सेहत तबीयत ठीक है आपकी? अच्छा सर, मैं मोहम्मद सुबह बात कर रहा हूँ, कराची का रहने वाला हूँ। माशाल्लाह आपकी वीडियो बहुत पसंद आती है और आपने जो मकई के बारे में जो बात की थी वो तो माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे इज्जत दे, मेरे को बहुत अच्छी लगी। मगर सर मैं कराची का रहने वाला हूँ, मेरे पास जगह तो है नहीं सर, पैसे भरे हुए अकाउंट में तो जगह नहीं है, तो मेरे लिए क्या ऑफर होगी सर? बाकी आपकी बातें सर आपको बहुत अच्छी लगी और रियाल मुझे जब भेजने होते हैं ना सर पाकिस्तान से, मैं आपकी पहले वीडियो देखता हूँ उसके बाद मैं रियाल भेजता हूँ। घर वालों को मैंने बोल दिया है कि भाई जब भी रियाल आपको ज़रूरत हो पैसों की तो आप मुझे जो है एक दो दिन पहले ही बता दिया करो, ताकि एक भाई की वीडियो आती है वो वीडियो बिल्कुल सच्ची वीडियो होती है और जब भी मैंने रोके हैं तो भी फ़ायदा हुआ है, भेजे हैं तो भी फ़ायदा हुआ है। तो आपकी वीडियो देखने का जो है मेरा मतलब यही है कि माशाल्लाह आप फ़ायदा करते हो, तो जब भी मेरे को भेजने होते हैं तो मैं आपकी पहले वीडियो देखता हूँ, पहले आप रेट जो बताते हो और बैंक में अलराजी से मैं भेजता हूँ और कोई बैंक से नहीं भेजता पैसे, तो अलराजी में जो आप रेट बोलते हो सर वही रेट होता है सर जो आप बोलते हो रेट, तो माशाल्लाह तो पहले आप जी भाई। अच्छा ये भाई साहब ने आगे अपने बच्चों के नाम भी बताए माशाल्लाह, सफ़ा मरवा और ऐसे कुछ चार नाम थे बहुत प्यारे। अच्छा जी बहरहाल जी बात ये है कि ये भाई साहब बोल रहे थे कि जी जो भी रेट होता है यानी कि आपकी वीडियोस देखने के बाद हमें फ़ायदा होता है, या थोड़ी मेरी चंद सेकंड लूँगा आपके साथ आपके। अच्छा मैंने आपके साथ एक बात शेयर की थी चंद दिन पहले कि एक भाई को भाई सऊदी अरबिया से वो आए और जी कॉल आ रही सॉरी अच्छा सऊदी अरबिया से वो सऊदी अरबिया में थे जब उनके पास 40,000 रियाल थे, तो मैंने उनको बोला कि अगर अब वो अब यहाँ से भेज दूँगी या पाकिस्तान, मैंने बोला पाकिस्तान ले आएँ। वो एक हफ्ता 10 दिन के बाद पाकिस्तान में आए, उनको यहाँ पर एक्सचेंज करवाए, अच्छा खासा फ़ायदा हुआ, तकरीबन रियाल रेट भी थोड़ा अप हुआ था, तकरीबन 1,20,000 तक का उनको फ़ायदा हुआ। अच्छा 10-20 हज़ार रुपये की अगर बात करें ना तो वो तो अक्सर मेरी वीडियोज़ देखने के बाद बंदे फ़ायदा उठा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और मुझे भाई बता भी देते हैं कैसे। मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में जिक्र करता रहता हूँ, आज की डेट अभी नोट कर लें। अच्छा जो मकई की वीडियो मैंने अपलोड की थी ना 2 दिन पहले, आप भाई ने रिस्पॉन्स अच्छा दिया, मैंने अभी यकीन कीजिए मेरे 3 दोस्त सऊदी अरब में बैठे हुए उनकी तरफ से 5,000 मन, 1,000 मन्नी, 2,000 मन्नी, 5,000 मन मकई उनकी तरफ से बुक करवाई गई है। मुझे बोला गया बहरहाल जैसे तैसे मामला थे, तो मुझे यकीन है जी कि 30 से 40 लाख का फायदा होगा। अभी ये जब सेल होगी जब जो भी मामला होंगे इंशाल्लाह मैं वो वीडियो अलग से बना दूंगा। अच्छा अब रेट आपको बता देता हूँ मैं, सॉरी इसके लिए। आज बहरहाल डेट नोट कर लें जी, 8 जुलाई वाले दिन की ये मेरी वीडियो, जो भाई देख रखे हैं वो डेट नोट कर लें भाई। आने वाले आपको मैं ज़्यादा लंबा नहीं जाता, आने वाले 15-20 दिन, अगर ज़्यादा भी काम लेट हुआ ना तो 1 महीना, नहीं तो आने वाले 15-20 दिन के बाद आपको, अगर अभी आप रियाल रोक कर रखेंगे मिसाल के तौर पर, तो आपको इंशाल्लाह ताला अच्छा खासा फ़ायदा होगा। अब आगे ज़ाहिर सी बात है घरों की मजबूरियाँ भी होती हैं, परदेशियों ने भेजने भी होते हैं, जिन्होंने भेजने हैं भेजने हैं। अगर मिसाल के तौर पर आपके पास इजाफी हैं, आप फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो अगर आप अभी सऊदी अरबिया में बैठे हुए हैं तो अभी आप रोक लेंगे तो आपको आने वाले 15-20 दिन के बाद अच्छा खासा फ़ायदा होगा, ठीक है। अब बहरहाल जी अभी रेट के मुतल्लिक बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर डॉलर रेट की बात करें तो भाई डॉलर रेट आपको पता है सैटरडे एंड संडे स्टेटमेंट क्लोज रहता है, एंड रियाल रेट की बात करें तो पाकिस्तानी जो एक्सचेंज रेट है वो आपको पहले मैं बता दूँ, वो आज का 73 रुपये 73 पैसे, और इंडिया की बात करें तो 22 बांग्लादेशी टका 29 के अराउंड में। अभी मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से आप बता देता हूँ मैं इनमें भाई। सबसे पहले टैली मनी यानी कि ANB बैंक की अगर हम बात करें तो इनका आज का रेट 73 रुपये 4 पैसे, 10, 17 और 23 रियाल फीस है जी इनकी। अगर मनीग्राम की बात करें तो मनीग्राम का आज का रेट 73 रुपये 36 पैसे, 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस है जी। एंड तहवील राजी यानी कि राजी बैंक की हम बात करें तो इनका भाई आज का रेट 73 रुपये 14 पैसे, 10, 17 और 23 रियाल फीस इनकी भी है जी। अच्छा 10-20-30 पैसे का तो आगा पीछे हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक रेट अभी राज्य का रेट बता रहा हूँ 73 रुपये कुछ तो आप भेजने जाएंगे तो आपको 72 रुपये मिल जाएगा, नहीं रुपयों के हिसाब से भाई डिफरेंट नहीं होता है। आगे बात करें जी अगर वेस्टर्न यूनियन की तो इनका आज का रेट 73 रुपये 27 पैसे, 10, 17 और 23 रियाल फीस है जी इनकी भी। एंड अगर STC पे की बात करें तो इनका भी भाई रेट 73 रुपये 29 पैसे
10, 17 और 23 रियाल फीस है जी इनकी भी। फौरी बैंक यानी कि बैंक जजीरा की अगर हम बात करें तो इनका भाई रेट आज का 73 रुपए 31 पैसे 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ। और अगर इंजाज बैंक की हम बात करें तो इंजाज बैंक का भाई आज का जो रेट है वो 73 रुपए 44 पैसे हाई रेट है, 10, 17 और 23 रियाल फीस है जी इनकी। अगर क्विक पे की बात करें तो क्विक पे के भाई क्विक पे में आपको 73 रुपए 32 पैसे मिल जाएगा आज का रेट 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ। और अगर पाकिस्तान यानी कि ओपन मार्केट की बात करें, सऊदी से पाकिस्तान में रियाल लाकर चेंज करना चाह रहे हैं, तो भाई इस वक्त आपको पाकिस्तान में भी 75 रुपए प्लस में ही रेट मिल जाएगा।